हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कल कहीं पे गए थे, लेक लुइस गए थे। बैंफ राइड मैंने बोला था लेकिन बैंफ बाकी रह गया था क्योंकि हम निकले थे 12-1 बजे। आज भी जैसे कि 1 बज गया है और अभी हम जा रहे हैं, तो मालूम नहीं क्या हम कवर कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। लेकिन चलो मिलते हैं, आगे दिखाती हूँ कि क्या क्या करते हैं हम, क्रूज व्रूज करते कि नहीं। और सब लोग यहाँ पे गाड़ी में बैठ गए और सब चिल्ला रहे हैं कि जल्दी आओ मामा। ओके तो डन, आई एम गोइंग, बाय बाय। अरे ये कहाँ आ गए, हम तो बैंक जाने वाले थे ना। हाँ हाँ भाई, हम आ गए यहाँ पे वॉशरूम ब्रेक, यहाँ पे वॉलमार्ट में आए हैं वॉशरूम, बच्चों को जाना था वॉशरूम इसीलिए फिर हम यहाँ पे आ गए हैं। तो चलो हम जर्नी कंटिन्यू करते हैं वापस से। तो हमारे भतीजे की सबसे फेवरेट है ट्रेन, तो यहाँ पे ट्रेन जाते देखते वो सबसे ज़्यादा खुश हो जाता है। तो ट्रेन देखते देखते हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन आ गया है जहाँ पे हमें जाना है, फेरी राइड करना है। तो यहाँ पे है लेक मिनेवंका। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है भाई क्योंकि मैं इतनी फैमिलियर नहीं हूँ नाम से, मैंने पहली बार प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हाँ ये मिनेवंका लेक आ गया है यहाँ पे, लेकिन बहुत मुश्किल से हमें पार्किंग मिली है। मतलब पार्किंग के लिए दो अलग अलग स्पॉट होते हैं, लग्जरी के अलग लिए अलग हैं और कार के लिए अलग है। ये हमारा दूसरा टाइम है हम वापस से घूमने, मतलब घूमे तब हमें जैसे एक कार निकली तो अभी हमें एक स्पॉट मिल गया और हमने तुरंत रख दी। और देखो अभी ये पीछे भी एक कार वेट कर रही है। और यहाँ पर भी प्री वेडिंग के लिए देखो एक दुल्हन गई, लेकिन मैं कैमरा चालू करूँ तब तक वो पास हो गई थी। और अभी देखो यहाँ पे आ गए हैं हम फेरी राइड करने के लिए, लेकिन अभी डाउटफुल है क्योंकि हमें ऑनलाइन में तो सोल्ड आउट दिखा रहा है, अभी जाके पूछना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फटाफट भाग रहे हैं कि अगर हमें लास्ट जो फेरी में हमें फेरी राइड करने का मौका मिल जाए तो, क्योंकि हम जब घर से निकले तभी हमने चेक किया था कि भाई ये ना लास्ट 4 o'clock बंद हो जाता है। अगर आप लोगों को भी आना है तो 4 o'clock से पहले आपको ऑनलाइन टिकट ले लेनी पड़ेगी और पर पर्सन $90 या 110 या 120, ऐसे तीन अलग अलग टाइप्स के जो फेरी होती है, क्रूज होती है, वो अलग अलग टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे हम देखो भागते भागते पहुँच चुके हैं। लेकिन हमारा बैड लक, उन्होंने बोला कि भाई जो 4 o'clock तक का जो स्लॉट होता है वो तो बुक हो चुका है और अभी आपको कोई नहीं मिलेगा। तो मतलब लास्ट फेरी तो 6 o'clock तक जाती है लेकिन अभी हमें कोई फेरी नहीं मिलेगी। लेकिन लकीली क्या हुआ ना कि उसके सामने ही ऐसे यहाँ पे बोट राइड करने का भी आपको मौका मिलता है, मतलब मौका कि आप कर सकते हो। तो यहाँ पे फेरी में तो मतलब चलो अच्छा है कि हमें कुछ राइड वाइड करना नहीं होता, सब बच्चों के साथ हम बैठ जाते हैं और यहाँ पर बोट में हमें मतलब चलाना पड़ता है। तो फिर ये इसमें है ना एक ये मशीन वाली बोट भी देते थे, तो वही हमें सोचा कि भाई वो हमारे लिए नहीं है क्योंकि कभी कई जगह है ना मशीन खुद को राइड करने नहीं देते हैं। तो हमने वो जो सिंपल हलेसा वाली होती है जो वो सारी राइड की है, फिर वो पाँव से चलाने वाली है वो भी राइड की है, लेकिन ये वाली है वो नहीं चलाई है। तो फिर हमने जो सोचा कि चलो भाई हम ये वाली ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हो गई, वो मैं बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे ये है जो इंस्ट्रक्टर वो सबको लाइफ जैकेट दे रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ अच्छी होती है कि लाइफ जैकेट अच्छे से फिट हो जाते हैं। वी आर गोइंग इन दिस बोट, मोटराइज्ड बोट। Twist towards yourself from neutral to put it in forwards. Just remember, a common mistake people make straight away is they go too quick. Just go really slow. तो यहाँ पे भी मैंने बोला कि एक प्रॉब्लम हो गई। तो प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग है ना सिर्फ 6 पर्सन को ही एक बोट में अलाउ करते हैं, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो या मतलब एडल्ट हो या किड्स हो। तो हम मतलब हम 7 लोग हैं तो फिर हमें हमारे में से कोई एक तो रह जाता। तो मतलब विकास बोले कि मैं रह जाता हूँ, मैं बोली नहीं नहीं मतलब वैसे और हम वैसे दूसरी बोट भी ले सकते थे लेकिन बच्चों को एक ही साथ में रहना है। तो फिर कि चलो आप मतलब बच्चों के साथ इसमें ही चले जाओ और मैं और विकास यहीं पे वीडियो शूट बुट करेंगे। तो इसीलिए ये लोग बोर्ड पे सवार हो चुके हैं और अभी हम यहाँ से शूटिंग कर रहे हैं।
तो यहाँ पे बोट स्टार्ट हो चुकी है और अब ये इन्होंने अनप्लग कर दिया है और अब चली बोट स्पीड में, अच्छी खासी स्पीड में जाती है ये बोट। तो चलो आप लोग भी बोट के साथ जहाँ कौन कौन से प्लेस जाते हैं मतलब बोट में ही, वो नज़ारा एंजॉय करो और हम लोग यहाँ पे रील शूट करते हैं। हाँ बेटा ऊपर है। तो मज़ा आया बोट राइड देखने का। तो हम लोगों ने यहीं पे रहते रहते बहुत सारे फ़ोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक किए और बहुत अच्छी मस्त मस्त हवा चल रही थी। मतलब वेदर बहुत अच्छा है अभी, तो वैसे जो ठंड होनी चाहिए ना वो ठंड नहीं है। और पानी के आसपास तो आपको पता ही है, हम जैसे कि गोवा वोवा घूमने जाते हैं तो कैसा वेदर रहता है, तो बस ऐसे ही मस्त वेदर है। और यहाँ पे जैसे हम फोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करते थे उतनी देर में तो इन लोगों की बोट राइड भी हो गई और ये लोग भी वापस आ गए। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग जा रहे हैं कैस्केड पॉन्ड, जहाँ पे फिर से एक शूटिंग लोकेशन है। अगेन जो कोई मिल गया मूवी है ना उसका एक शूटिंग स्पॉट है, जो हमने आज तो घर से ही देख लिया था कि भाई कौन सी जगह और कहाँ पे है, तो ये कैस्केड पॉन्ड है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और देखो यहाँ पे ऐसे कोई जंगली मतलब कोई बैरियर नहीं होता है, आपको ऐसे जो भी ये लोग रोड क्रॉस करते हैं तो आप लोगों को खड़ा रहना है, जब तक वो पास ना करें ना तब तक आपको गाड़ी खड़ी रखनी है। लेकिन 15-20 मिनट जितना हो गया लेकिन ये लोग हटने का नाम ही नहीं रहे थे, ना तो वो साइड जा रहे थे ना तो ये साइड जा रहे थे। तो उसके बाद ये अच्छा है कि ये जो ट्रक वाला था ट्रैवलर वाला, तो उसने थोड़ी 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 घुसा के फिर ऐसे जगह बना दी। उसके पीछे पीछे फिर हम लोग भी निकल गए और यहाँ पे गाड़ी पार्क करके, ये थोड़ा ऑफ बीट स्पॉट है, मतलब जैसे कि हर एक स्पॉट है ना वो रोड के बीचों बीच आता है, सब लोगों को दिख जाता है, ये वाला नहीं दिखता है। तो हम जब लास्ट टाइम भी कनाडा आए थे तब हमें ये नहीं दिखा है। और अभी देखो मैं यहाँ यहीं से ही रील की मतलब वो बिजी हो गई हूँ कि कैसे रील शूट करनी है। क्योंकि आज तो हम प्रिपेयर करके ही आए घर से और इतने एक्साइटेड होने हैं सब लोग, हम सब बहुत एक्साइटेड है। दोस्तों कोई मिल गया का स्पॉट ये रहा इन पंछियों को, ये वाला, और ये लोग वीडियोस के लिए जा रहे हैं। मतलब हमारे घर के इतने पास ये शूटिंग स्पॉट है और फिर भी हमें कभी मालूम ही नहीं पड़ा। और जब हम अभी देख रहे हैं ना कि ये वाला, ये भी मेरे भाभी ने चेक किया कि है ना इतने ये स्पॉट है, मतलब हम जहाँ भी जाने वाले वो बीच में ये सारे स्पॉट आते हैं, तब हमें पता चला।
बाकी तो मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि हाँ यहाँ पे शूटिंग हुई है, क्योंकि मूवी में तो ऐसा दिखाया गया है कि वो नैनीताल में शूट किया हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि सारे बहुत सारे मतलब 80% जो स्पॉट है कई कई सॉन्ग के, वो सारे यहाँ पे बैंक के आसपास ही किए हैं। और लिटरली इतना मस्त है ना, देखो लोग ऐसे यहाँ पे पिकनिक स्पॉट जैसा बना दिया है कि सब लोग ऐसे बैठे वो आरवी ले लेके आते हैं, मतलब आरवी बोले तो जिसके अंदर पूरा घर बना हुआ होता है, बस ऐसे ही गाड़ी लेके लेके आते हैं। और कई लोगों मतलब इंडियन थे जो गुजराती भी थे और हमको रास्ते में मिले, उन लोगों को भी नहीं पता था, वो लोग ऐसे ही आ गए थे। फिर हमने बताया कि भाई यहाँ पे थे ना, ये कोई मिल गया मूवी का शूटिंग हुआ है, तो फिर वो लोग भी यहाँ पे आके फोटो खिंचवा रहे थे। और आपको लगता होगा कि ये बार बार एक ही स्टेप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे पास है दो बंदर जो अच्छे से एक रील को उतारने ही नहीं दे रहे हैं। मतलब हमने बोला कि भाई ऐसी गाड़ी के जर्जे से जाना है, तो दोनों उल्टी उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो हमारी पूरी रील बिगाड़ रहे हैं। कितने रिहर्सल मतलब टेक किए, उसके बाद अच्छे से एक रील बनी। पूरी रील देखनी है ना तो आपको इंस्टाग्राम चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं सॉन्ग नहीं लगा सकती हूँ। तो शूटिंग खत्म करने के बाद हमारी गाड़ी निकल चुकी है गंडोला राइड करने के लिए, क्योंकि बैंफ आए और गंडोला राइड ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो साथ बने रहे तो बताती हूँ कि भाई क्या होता है गंडोला राइड में और ऊपर जाके क्या देखने को मिलता है। वैसे तो मैंने पहले एक बार की हुई है, लेकिन देखते हैं कि 4-5 साल में कितना बदलाव आया है। तो यहाँ पे रास्ते मौसम सबको एंजॉय करते हुए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं गंडोला राइड करने के लिए। तो ये एज़ यूजुअल हर जगह भीड़ तो आपको मिलेगी। और हमने देख लिया था वैसे ऑनलाइन कि 9 बजे तक गंडोला राइड होती है, लेकिन फिर हमको बहुत लेट भी नहीं जाना है, क्योंकि फिर अगर लेट जाएंगे तो फिर रात को कुछ दिखेगा नहीं। मतलब अगर जंगल में भालू भालू ऐसे कुछ घूमता होगा तो फिर हमें देखने को नहीं मिलेगा। मतलब हाँ, कुछ भी देश जैसे कि जो दिन के उजाले में देखने का मज़ा है वो रात में मज़ा नहीं आता है, इसीलिए फिर हम फटाफट यहाँ पे आ गए कि चलो पहले सबसे पहले हम राइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने टिकट ले ली है। तो यहाँ पे भी एक ही इश्यू है कि हम एक जो पॉड है उस पर 4 जना बैठ सकते हैं। यहाँ पे भी फिर विकास ने बोला कि चलो भी तो आप लोग ही जाओ, क्योंकि फिर दियान मेरा जो बड़ा लड़का है वो यूथ में आ जाता है, किड्स में नहीं आता, क्योंकि 5 ईयर्स तक की वो लोग किड्स में काउंट करते हैं, उसके बाद ही यूथ में काउंट होता है। तो इसीलिए फिर मतलब हम लोगों को वैसे भी दूसरा गंडोला में बैठना पड़ता है, मतलब ऐसे उसका कुछ इश्यू नहीं है। ये लोग टिकट के हिसाब से मतलब पर पर्सन के हिसाब से ही टिकट लेते हैं, तो वैसा कोई ऐसा इश्यू था नहीं, लेकिन हम लोगों को एक ही में बैठना था, इसीलिए फिर अगेन उन्होंने बोला कि चलो भाई मैं नहीं आता हूँ, आप लोग जाके एंजॉय करके आओ। लोगों की गंडोला राइड स्टार्ट हो चुकी है और अभी जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं ना, देखो यहाँ पे एक है ना, एक के ट्रीज की हाइट आप देख सकते हो, मतलब फोटोज में तो शायद इतना नहीं पता चलता है, लेकिन आप देखो जितने भी हम ऊपर कितनी हाइट तक जा रहे हैं, मतलब बादलों से भी ऊपर उतना ऊपर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मतलब पेड़ आपको ऐसे ही लगता रहेगा कि है ना ऊपर ही आ रहे हैं, मतलब इतनी हाइट, और लिटरली उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर चढ़ने का स्टार्ट हो गया ना, अब मुझे हो गई है हाइट सिकनेस, मतलब मुझे फोबिया है ऐसा आप बोल सकते हो, मैं हाइट से नीचे नहीं देख सकती हूँ। तो अब मैंने रखे मेरा कैमरा मतलब मोबाइल वोबाइल सब रख दिया और अब सब आंखें बंद करके ऐसे ही बैठ गई हूँ। तो सब लोग मेरे भैया बाबा भी सब बोल रहे हैं कि सांस लो, डीप सांस लो, लेकिन होता है जो लोग मतलब जिन लोगों को हाइट का फोबिया है वो लोग समझ सकते हैं कि क्या होता है, वो अलग फीलिंग ही होती है। जैसे कि आप कोई राइड में मतलब में कोई सी मैरी गो राउंड चकडोल बकडोल बोलते हैं ना, वो उसमें भी नहीं, झूले बूले जो बड़े वाले होते हैं उसी में भी नहीं बैठ सकती हूँ, मैं किसी में नहीं बैठ सकती हूँ। तो चलो वही बातें करते करते हमारा तो स्टॉप आ गया, ऊपर हम पहुँच चुके हैं और अब हम दिखाएंगे कि ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं दिखने के लिए। और ये है ना मूविंग ही रहता है, मतलब हमें चालू में ही बैठना पड़ता है और चालू में ही उतरना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो ये जैसे ही उतरे वो वाला एक ऑब्जर्वेशन डेस्क बोलते हैं, और या ये नज़ारा देखने के लिए हम पैसे खर्च करके आते हैं गंडोला राइड करके। और देखो यहाँ पे क्या देखने को मिला है। ये ऐसे कुछ बच्चों के लिए भी बनाया हुआ है, मतलब अब क्योंकि बड़ों को तो नेचर वेचर भी पसंद आता है, बच्चों को वो सारी चीज़ें नहीं पसंद आती, तो इसीलिए ये एक थोड़ा सा बच्चों का टच दिया हुआ है।
कि बच्चों को भी कुछ अच्छा लगे। तो यहाँ पे तीन लेवल हैं, एक लेवल पे ऑब्जर्वेशन डेस्क है, एक लेवल पे ये वाला है, एक लेवल पे रेस्टोरेंट है और एक टेरेस है। मैं बताती हूँ भी ऊपर भी क्या है। तो यहाँ पे बच्चों ने भी बहुत खासी मस्ती की, उन लोगों को भी बहुत मज़ा आया। मतलब ऐसे बच्चों के लिए भी है, नॉलेज के लिए फॉसिल वॉसिल्स भी दिखाए हुए हैं। और यहाँ पे ये है ऑब्जर्वेशन डेस्क, मतलब यहाँ से आप पूरा नज़ारा देख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे ग्लास की विंडोज़ बनाई हुई है और उसमें से आप पूरा नज़ारा देख सकते हो कि मतलब लिटरली आपको हाइट से कैसा दिखता है और जो ब्यूटी ऑफ कैनेडा है वो देखने को मिलती है। लेकिन बच्चों को तो देखो उनकी चीज़ों में ही मज़ा आता है, तो वो लोग तो बस वो से अपने अपने हिसाब से ही टाइम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है ऑब्जर्वेशन डेस्क में से दिखने वाली रियल ब्यूटी। मतलब अभी तो क्या है ना, ये थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है क्योंकि मैंने बोला ना कि हम तो बहुत ऊपर है, हाइट बहुत हाइट पे है, लेकिन फोटोज़ में थोड़ा इतना लिख रहा है, बाकी देखने में बहुत मस्त है। मतलब ये स्पेशली ये ब्यूटी देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं गंडोला राइड करके। और दूसरी एक चीज़ है कि यहाँ से नीचे जाते हैं सल्फर माउंटेन ऐसा कुछ है, तो वो जाने का रास्ता है। तो हम जब पहली बार आए थे तभी नहीं गए थे, इस बार भी नहीं जाने वाले क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, शायद 2-3 किलोमीटर जितना वॉक है। मतलब जो सीढ़ियाँ जाती है ना वो बहुत नीचे ऊपर आपको दिख रही होगी, ये नीचे जा रही है फिर वापस से ऊपर जा रही है, तो बहुत दूर तक जाना होता है। तो मतलब 1 घंटा जितना लग जाता है, और बच्चे तो ऐसे भी 5 मिनट भी नहीं चलते, तो फिर हमको वो स्किप करना पड़ा। और ये है टेरेस, यहाँ पे है भालू भाई साहब, कितने सालों से खड़े हैं। मतलब हम लास्ट टाइम आए थे तभी भी यहीं पे मिले और आज भी यहीं पे मिले। और राइड करने के लिए ऊपर आओ ना तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, हमेशा अपना जैकेट कैरी करके ही आना, क्योंकि नीचे का वेदर और ऊपर का वेदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब ज़मीन आसमान ही है ये, अब पूरा आप आसमान में हो ऐसा ही लगेगा और वो पूरा ज़मीन का। तो देखो हर किसी ने जैकेट पहना ही है जनरली, तो क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो चलो यहाँ की ब्यूटी तो हमने एंजॉय कर ली और अब हम जाते हैं वापस से गंडोला राइड करके नीचे। तो जैसे मैंने बताया ना कि ये चलता ही रहता है और हमें चलते में ही बैठना पड़ता है और चलते में ही नीचे उतरना पड़ता है, तो ऐसा ही होता है। तो इसीलिए थोड़ा उतरते उतरते तो मैंने थोड़ी क्लिप ली है, लेकिन अभी देखो बैठ गए और अभी हम नीचे जा रहे हैं। तो वापस से मेरा तो वो सीखने स्टार्ट होगा, लेकिन नीचे उतरने में थोड़ा कम लगता है क्योंकि वो हम हाइट से नीचे जा रहे हैं, वो जब ऊपर हो चाहते तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन हम नीचे जा रहे हैं तो उतना नहीं लग रहा है। और देखो मैंने जो पहले ही बताया ना कि यहाँ के जो पेड़ है वो उनकी हाइट आप देखो, मतलब कितने ऊपर तक है। मतलब देखिए हम मतलब ऊपर नीचे आ रहे हैं ना तभी भी, हाँ वैसे स्लोप है मतलब, लेकिन फिर भी बहुत हाइट होगी, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो बस अब हम पहुंच चुके हैं नीचे और अब हम जाएंगे गाड़ी में। तो गाड़ी में जाके करेंगे सबसे पहले नाश्ता, क्योंकि अभी बच्चों को और सबको लगी है भूख। तो हम बहुत सारे नाश्ता गाड़ी में कैरी करके आए, लेकिन हाँ कभी मौका नहीं मिला है कि हम क्या लेके आए वो दिखाने का। तो कभी मौका मिलेगा तो दिखाएंगे, क्योंकि सब ऐसे टूट पड़ते हैं ना खाना खाने के लिए कि फिर रिकॉर्ड करने का तो इच्छा ही नहीं होती है। मतलब इच्छा तो क्या, कैमरा ही कौन पकड़े, बस वही होता है। तो चलो वापस से गाड़ी में बैठ गए और अब हम जा रहे हैं डाउनटाउन देखने के लिए, मतलब बैंफ का डाउनटाउन कैसा है वो दिखाने के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली हर जगह डाउनटाउन का थोड़ा अलग अलग ही होता है, हर एक सिटी का अलग अलग डाउनटाउन होता है। तो
बस ये हमको थोड़ा बैंफ का डाउनटाउन अच्छा लगता है, तो इसीलिए फिर हम दिखाने के लिए आ गए। और यहाँ तो यहाँ पे फिर हमने गाड़ी पार्क की और यहाँ पे एक देखो एक कॉन्सर्ट जैसा कुछ था, तो मालूम नहीं क्या है लेकिन फ्री एंट्री लिखी है, तो हमने सोचा कि चलो हम भी चले जाते हैं अंदर, देखते हैं कुछ काम की चीज़ें हो, कुछ खाने पाने का है मिल जाए तो फिर अच्छा है, क्योंकि वेजिटेरियन है तो फिर बहुत कम ऑप्शन होता है आपको खाने के लिए। तो एज़ यूजुअल हमको कुछ मिला ही नहीं यहाँ पे हमारे लिए, और बस ऐसे ही जो शो पीस और कॉन्सर्ट और ऐसी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन ठंड भी ज़्यादा है तो फिर हमने सोचा कि चलो भाई अभी कुछ ऐसा कुछ देखना नहीं, और वैसे भी रात होने को आई है तो फिर हम बस जो मार्केट है वो एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ लेना है, मतलब मैग्नेट और वो सारी चीज़ें लेनी है जो किसी को गिफ्ट करनी हो, तो मतलब वो वहीं पर अच्छी मिल जाती है। तो सबसे पहले आ गए हम गाड़ी में और गाड़ी से लिए हमने लोगों ने सब ने अपना अपना जैकेट, क्योंकि अभी रात हो गई है और अभी ठंड वापस आ गई है, मतलब यहाँ पे ऐसा ही होता है कि रात को ठंड आ जाती है, तो सब अपने अपने जैकेट में आ गए। और अब हम आ गए मार्केट देखने के लिए कि मार्केट कैसा है। वैसे बहुत ऐसा बड़ा मार्केट है नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ देने के लिए चाहिए जैसे कि कुछ मैग्नेट वैगनेट या ऐसा सोवेनियर के नाम पर, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मार्केट से हम निकल चुके हैं घर के लिए, लेकिन ये चीज़ें ना मैं कल बताना आपको भूल गई थी, तो ये है दो साइड जंगल होता है, तो अगर जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, तो यहाँ पे हाईवे पे ना आ जाए ना, इसीलिए यहाँ पे देखो ये गडर जैसा बनाए हैं, इसके ऊपर से जानवर है ना एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अभी हमारा आज के लिए तो इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाबा, जय श्री कृष्ण, जय भारत।